Hi friends, welcome to my channel. Today हम किडनी फेलियर के बारे में बात करने वाले हैं. किडनी फेलियर दो प्रकार का रहता है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ और एक्यूट किडनी डिसीज़. और वो किडनी फेलियर कहाँ से पता चलता है? क्रिएटिन कितना नॉर्मल रेंज क्रिएटिन की 0.2 से 0.8 मेल में और फीमेल में 1.2 तक रहनी चाहिए. उससे आगे जाते तो किडनी का प्रॉब्लम है, ऐसा समझ में आता है. और एक्यूट किडनी डिसीज़ में हमको सिम्टम्स आते हैं, मतलब उल्टी आना, हेडेक होना, पैर में सूजन आना. और क्रोनिक डिसीज़ में पेशेंट का क्रिएटिन हाई होने पर उनको डायलिसिस करना पड़ता है और उनका क्रिएटिन 8-9 से 10 तक जाता है. सो गाइस, किडनी का फंक्शन होता है कि अपने अंदर के जो बैड मटेरियल्स हैं, मतलब ब्लड, यूरिया, क्रिएटिन, उनको बाहर निकालना. वो जब अपनी बॉडी की किडनी ख़राब होने लगती है तो वो निकाल नहीं पाती अपने अंदर के मटेरियल्स. सो ये लक्षण है किडनी फेलियर के. सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो. हम अगले ब्लॉग पे किडनी पेशेंट के लिए क्या खाना चाहिए वो उस पर बात करेंगे. सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.